स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स यूनिट सेवन एक्सरसाइज 7.5। तो 7.5 में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में एडिशन करना स्टार्ट करें। तो एडिशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो एडिशन के लिए बहुत सारे रूल्स भी रहते हैं। आज हम एडिशन फ्रैक्शन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है 1/18 प्लस 1/18 राइट कर लिया, तो डिनोमिनेटर पोजीशन पे जब भी सेम डिजिट होते हैं, तो यहाँ पे सेम है, तो डायरेक्टली 1/18 और 1/18 में से 18 लिख लिया, जैसे राइट किया तो ऊपर वाले टर्म डायरेक्टली ऐड करते हैं, 2/18 आया, 2 1s are 2, 2 9s are 8, 1/9 क्या गया, 1/9 हमारा भी सीखा है। तो सेकंड जो पार्ट है इसका वो है हमारे पास 8/15 प्लस 3/15। अगर एक बात पता लग गया करना क्या है, तो अब क्या करेंगे, 15 राइट करेंगे, 8 प्लस 3 राइट किया तो क्या गया 11/15, क्या गया 11/15। तो अब इसी का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो एक सब्सट्रैक्शन का है, थर्ड सब्सट्रैक्शन का है 7/7 माइनस 5/7, तब वो क्या रहा है 7 डिनोमिनेटर पे से, तो 7 माइनस 5 आ गया, दैट इज 2/7, क्या आंसर आ गया 2/7। जैसे 2/7 आया तो हमारे पास अब इसका नेक्स्ट जो और टाइप रहता है उस टाइप का क्वेश्चन राइट कर रहा हूं। तो नेक्स्ट जो टाइप रहता है अब मेरे पास वो है, वो क्वेश्चन है 1 माइनस 2/3 फोर्थ। तो करना क्या है, एलसीएम लेना है, तो किसी भी डिजिट टर्म के नीचे कुछ ना हो तो हम वन लगाते हैं, वन लगा एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, और जो 3 था इसमें से तो 3 से 1 से 3 को डिवाइड किया तो आंसर 3 आता है, तो 3 1s are 3, यहाँ 2 equals to 1/2, हमारे पास आंसर आ गया 1/2। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है फिफ्थ, 3 माइनस 12/5। अब डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया, नीचे 12, ये पूरा की पूरा 5, दैट इज 3/5, क्या गया 3/5। तो हमारे पास क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो होमवर्क, होमवर्क क्या है 1/22 प्लस 21/22, 7th 12/15 माइनस 7/15, 8th पार्ट 5/8 प्लस 3/8, और लास्ट 9th पार्ट है 1/4 प्लस 0/5। ये क्वेश्चंस हैं और ये होमवर्क भी है साथ में। थैंक यू।